एनजीटी न्यायालय के सख्त रुख और आए दिन मिल रही मिलावटी दूध बेचने की शिकायत पर आज मथुरा खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंदन पांडे ने गोवर्धन के व्यापारियों के साथ एक बैठक कर शुद्ध दूध बेचने की शपथ दिलाई। हम आपको बता दें कि विगत कई महीनों से एनजीटी न्यायालय गिरिराज पर्वत श्रृंखला के आसपास की हरियाली और शुद्धता को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, जिसे लेकर जिला प्रशासन पुरजोर कोशिश भी कर रहा है, लेकिन गिरिराज महाराज पर चढ़ने वाले दूध को लेकर काफी समय से सवाल खड़े हो रहे थे, जिसकी शिकायत एनजीटी न्यायालय में भी एक संस्था द्वारा की गई थी, जिस पर अमल करते हुए एनजीटी न्यायालय ने मथुरा के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को तलब कर कड़े निर्देश दिए। उसी के चलते विगत कई हफ्तों से खाद्य विभाग की टीम गोवर्धन कस्बे में लगातार सैंपलिंग कर रही थी। इसी क्रम में मथुरा खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंदन पांडे ने गोवर्धन के व्यापारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश देते हुए व्यापारियों को शुद्ध दूध बेचने की शपथ दिलाई। वहीं दुग्ध व्यापारियों ने भी शपथ लेकर शुद्ध दूध बेचने का आश्वासन मथुरा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिया है। एनजीटी और पीछे भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि दूध की गुणवत्ता जो यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है वो ठीक नहीं था। हमारी टीम पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से लगातार सघन छापेमारी के कार्य कर रही थी, जिससे कि दूध की जाँच कराई जा सके और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित हो, स्थानीय लोगों की, व्यापारियों की, नागरिकों की, इसके लिए ये बैठक रखी गई और बैठक में ये बात बताया गया है कि लोग स्वयं तय कर लें, स्वयं शपथ ले लें और प्रतिबद्ध हो जाएं कि नहीं, यहाँ पे दूध की गुणवत्ता है उसको बेहतर से बेहतर रखेंगे, उसमें एक बूंद पानी भी नहीं होगा और इसके लिए ये शपथ ग्रहण का भी समारोह रखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ लोग इमेज खराब कर रहे थे या चाहे वो इसमें किसी तथ्य की वजह से भी इमेज खराब हो रही थी, वो आज से ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा और अगर किसी भी प्रकार की कोई बात रहती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई।